इंडियन पाइक्स ड्राइविंग 3D के चैलेंज में मुझे मिल चुका है टनल मोड। लेट्स गो भाई, इसे स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारा टनल मोड फिट। ये तो एयरपोर्ट है भाई। फिट, टनल मोड इज लॉक्ड, कंप्लीट 2 चैलेंज। फिट भाई ये क्या लिखा है? ब्लास्ट द एरोप्लेन एंड फ्लाई इट, ब्रिंग आवर सेफ्टी डाउन। लेट्स गो भाई, हमें इसको ब्लास्ट करना होगा, इसके बाद इसमें बैठना होगा और भाई सेफ्टी के साथ लैंड होना है। और फाइनली भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं RPG लेता हूँ और इसको RPG से मारते हैं। और भाई बैठने का भी ऑप्शन आना चाहिए, एंड बैठने का ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से बैठ जाते हैं। एंड भाई यहाँ पर हमें 2 मिनट मिले हैं। फिट भाई यहाँ पर तो देखो भाई, एरोप्लेन कितना ऊपर जा चुका है और भाई हमें सेफली के साथ लैंड करवाना पड़ेगा एकदम भाई, कुछ होना नहीं चाहिए एरोप्लेन को। और भाई हमारे पास केवल जितने सेकंड चल रहे हैं उतने सेकंड ही हैं एरोप्लेन को लैंड करवाने के लिए। नाउ गाइस, इसके जो कंट्रोल है ना भाई, सभी एकदम बिगड़ चुके हैं और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जो कि भाई इसे लैंड करवाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिट गाइस, डरने की कोई बात नहीं है भाई, इसको तो मैं लैंड करवाऊंगा। और भाई नीचे आप देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी भाई सिटी हमको दिखने लगी है और भाई थोड़े थोड़े रास्ते भी दिख रहे हैं, जो कि भाई मैं एकदम प्लेन को नीचे लेकर जा रहा हूँ, एकदम नीचे है प्लेन का मुंह। और भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना कुछ दिख रहा है, साइड में भाई पूरी सिटी दिख रही है भाई, कितनी तगड़ी सिटी है। और गाइस हमारा एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इसकी मैं स्पीड बहुत ही कम कर रहा हूँ कि मैं इसे आराम से उतार पाऊँ, वरना ये जो हमारा चैलेंज है ना, ये हो जाएगा फेल्ड। और भाई हमारा जो एरोप्लेन है बहुत ही स्पीड से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मैं इसको बहुत ही आराम से कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाई ये इधर उधर भटक ना जाए। एरोप्लेन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया तो भाई इसको मैं संभाल नहीं पाऊंगा एंड हम बाहर हो जाएंगे चैलेंज से। और भाई आप देख सकते हो यहाँ पर केवल मेरे पास इतने सेकंड है जितने आपको ऊपर दिख रहे हैं और भाई मेरा जो एरोप्लेन है आराम से लैंड हो चुका है, पर भाई इसकी जो ब्रेक है वो नहीं लग रही यार, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है, आराम से नीचे लाना पड़ेगा। एंड मेरे पास बहुत ही कम सेकंड बचे हैं भाई, मुझे प्लेन को जल्दी से रोकना होगा वरना तो भाई चैलेंज फेल्ड। और भाई जो हमारा प्लेन है फाइनली रुक चुका है। एंड गाइस हमारा फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। फिट गाइस ये क्या है? स्टिक 4 डायनासोर्स टुगेदर इन 1 एयर। फाइनली गाइस हमें बताया गया है कि आपको 4 डायनासोर को हवा में रोकना है, वो भी एक साथ। और गाइस सबसे बड़ी टेंशन ये है, रोकना है तो रोकना कहाँ पर, ये तो हमें बताया ही नहीं गया। तो गाइस डरने की बात नहीं है, मेरे पास है एक आइडिया, चलो भाई लेट्स गो। भाई हम पहुँच चुके हैं रोल रैंप के पास और भाई यही वो रोल रैंप है जहाँ पर हम 4 डायनासोर को एक साथ हवा में अटका सकते हैं। हमें जाना है यहाँ पर और हमारे पास है जेट पैक। फाइनली हम जेट पैक में बैठ चुके हैं और भाई जेट पैक को मैं लेकर जा रहा हूँ रैंप के ऊपर। फाइनली गाइस मैं रैंप के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर जल्दी से उतरते हैं नीचे। यहाँ पर मुझे लेना है वेलोसिरैप्टर, दूसरा डायनो टीरेक्स, थर्ड डायनो स्पाइनो एंड फोर्थ ब्रेच। फाइनली यहाँ पर मैंने 4 डायनासोर को एक साथ स्पॉन कर दिया है। एंड गाइस अब बारी है डायनो को हवा में अटकाने की। मैं आ चुका हूँ दूसरे रैंप में जहाँ से हमको अच्छा सा व्यू देखने को मिल जाएगा। वेलोसिरैप्टर सबसे छोटा है तभी हम उसे नहीं देख सकते। लेट्स गो भाई, अब बारी है इनको हवा में अटकाने की। मैं हूँ RGS टूल में और यहाँ पर मैं लिखूंगा RLLON। अब दबाते हैं सही का टिक। और भाई आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने 4 डायनासोर को एक साथ हवा में अटका दिया है एंड ये चैलेंज हमारा यहाँ पर ही कम्प्लीट हो गया है। फाइनली भाई हमारे 2 के 2 चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलते हैं टनल मोड में। पर कैसे? फिट, गो टू फन ट्रैक। लेट्स गो भाई, जल्दी से चलते हैं फन ट्रैक की ओर और वहां पर ही हमें ऑप्शन मिलेगा टनल मोड में जाने का। फाइनली हम आ चुके हैं फन ट्रैक में। एंड गाइस यहां पर तो कुछ भी नहीं है। फिट गाइस ये क्या लिखा है? टू गो इन टू टनल मोड, स्टैंड इन फ्रॉम ऑफ द ट्रेन एंड स्टार्ट ट्रेन। फाइनली मैं आ चुका हूँ ट्रेन की पटरियों में और भाई यहाँ पर मुझे फोन निकालना होगा एंड इसमें इंजन में जाना है और दबाना है फॉरवर्ड। एंड फाइनली गाइस हमारी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो आ रही है हमारी तरफ। और भाई हमें पता चला था कि हम यहाँ से ट्रेन टकराएगी और हम पहुँच जाएंगे टनल मोड में। और भाई ट्रेन यहाँ से स्पीड से आ रही है और भाई फाइनली यहाँ पर मेरे पे टकराई, पर भाई मैं उड़ चुका हूँ हवा में और भाई मैं तो टनल मोड में गया ही नहीं भाई।
तो भाई हमें पता लगा था कि सबर का फल मीठा होता है भाई, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा बंदे को नीचे गिरने तक। और भाई बंदा बहुत ही स्पीड से नीचे गिर रहा है भाई, एंड कुछ ही सेकंड में बंदा गिर जाएगा नीचे, एंड बूम भाई, एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ टनल मोड में, जो कि भाई आप देख सकते हो कितनी तगड़ी टनल बनी हुई है। और भाई यहाँ पर इतना अंधेरा है कि मैं भाई डर रहा हूँ। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी लंबी टनल है। और भाई मैं यहाँ से भाग के जा रहा हूँ कि भाई आगे क्या हो सकता है। और भाई ऊपर क्या है भाई, मकड़ी है क्या है भाई, मैं तो डर रहा हूँ भाई। एंड भाई ये जो टनल है बहुत ही बड़ी है, बहुत ही पीक है, बहुत ही डरावनी है भाई ये टनल। एंड भाई ये ब्लैक होल क्या है भाई, मुझे तो नहीं पता। और भाई ये टनल तो बहुत ही तगड़ी मुझे लगी है। एंड भाई आपको ये स्टोरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, एंड लाइक करना, एंड शेयर करना अपने दोस्त के पास। ओके बाय।